कंपटीशन शुरू हो गया ना, जब जब रफी साहब इस लाइन में आए, मुकेश जब आ गए, तब मुझे आई हैड टू टाइटन अप माय बेल्ट, क्योंकि इन लोग बहुत कचरी गाने वाले थे और मुझे इनसे लड़ना था, इसलिए आई स्टार्टेड टेकिंग थिंग्स मोर सीरियसली। एंड मुझे मालूम पड़ा कि भाई बड़ा टफ लाइन है, और जैसे मैं पहले सोचा था कि म्यूजिक डायरेक्शन से गाना गाना आसान है, ये बिल्कुल बात सही नहीं थी। ये लगता दर्द आपके अंदर भी है, ये तीस है कि आप छोटी पे नहीं पहुंच पाए, इसकी वजह क्या रही कि आप छोटी पे नहीं पहुंच पाए? बिकॉज आई हैड टफ कॉम्पिटिशन विद पीपल हु आर बेटर देन मी। मीन्स मोहम्मद रफी वॉज बेटर देन यू 100%। किशोर कुमार वॉज बेटर देन कुमार? ही वॉज नॉट आवर क्लास एट ऑल। मोहम्मद रफी के क्लास के सिंगर किशोर कुमार नहीं थे। नहीं तो आप हेमंत दा को ऊपर रखते हैं अपने? नहीं, कभी नहीं। तो फिर कौन हुआ? ओनली मोहम्मद रफी। ओनली मोहम्मद रफी। ओनली मोहम्मद किशोर मोहम्मद रफी अगर ना होते आई वुड टेकन हिज प्लेस डेफिनेटली, बिकॉज मोहम्मद रफी एंड मी वी वर टू सिंगर्स हू कुड सिंग एवरीथिंग स्टार्टिंग फ्रॉम क्लासिकल टू इवन वो हीरो के गाने, वो वीरेंद्र के गाने, वो नौकर के गाने, सब हम लोग गा सकते। मतलब अब आप इसका मतलब आप अपने को नंबर टू मानते हैं? जी हाँ, डेफिनेटली। दिस इज नंबर टू नहीं, कुछ कुछ गाने में तो किशोर कुमार बिल्कुल वो हम लोग को सबको पीछे छोड़ के चले जाते, लेकिन नहीं, बाय एंड लार्ज अगर पूरे सिनेरियो को लें तो मोहम्मद रफी को आप नंबर वन पे रखते हैं, इसके बाद अपने आप को, इसके बाद किशोर कुमार और हेमंत कुमार। नहीं, तलत साहब थे। तलत साहब के अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइंड तलत साहब, एंड कुछ गाने मैं बहुत पसंद करता हूँ, क्योंकि उनके जो स्टाइल, गाने का जो स्टाइल, बिल्कुल लगता था कि जिस ढंग से तलत ने गाया था कोई भी गा लेता वो अच्छा नहीं लगता। नहीं, फिर आप किशोर कुमार को किस नंबर पर रखते हैं? अपनी बात तलत, फिर किशोर कुमार, फिर? नहीं, ये आप कैटेगराइज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ढंग ही कुछ और है। आजकल जो गाने का ढंग है, आज हिंदुस्तान में जितने उभरते हुए सिंगर है ना, सब किशोर कुमार को फॉलो करते हैं। ये गाने का रंग ही ऐसा हो गया, यानी क्या नाम, लेफ्ट राइट ऐसा गाना हो गया। वो जो गाने में जो तुम तड़ाका ये सब यही है, हो गया ना, मोर ऑफ रिदम्स, मोर ऑफ म्यूजिक इन दिस नेचर। वो जो सुर, वो सोज, और वो जो वो सबज के गाना, वो गया वो जमाना। अच्छा, एक नाम इसमें छूट गया, ये जो फ्लॉटिंग कर रहे हैं, मुकेश का, उनको आप कहाँ रखते हैं? मुकेश के गाने वो बिल्कुल मुकेश के ही थे, वो दिल जलता है, वो साइकिल साथी जैसे गाने, वो मुकेश के लिए ठीक था। वो मुकेश जिस ढंग से गाया वो मैं भी नहीं गा सकता। तो उनको आप अपने सुपर मानते हैं या बराबर पे या नीचे? ये बोलना मुश्किल है ना, ये मैं ये कहूंगा नहीं, आई शैल नॉट सिर्फ कंपेयर माई सेल्फ विद मुकेश, नो, आई शैल कंपेयर माई सेल्फ विद रफी, यस। ये तो बड़ा आपने, ये तो और कॉम्प्लिकेटेड कर दिया पूरी बात को। कॉम्प्लिकेटेड नहीं, यू मस्ट कम टू योर ओन कंक्लूजन दैट व्हाई ही सेज दैट मोहम्मद रफी वाज डेफिनेटली नंबर वन, बिकॉज जिस ढंग से गाते थे मोहम्मद रफी साहब, शायद ही कोई गा पाते। ये बात बिल्कुल सही है। यू नो, ही जब मोहम्मद रफी गुजर गया, नौशर साहब मुझे टेलीफोन करके बोले, मन्ना साहब सुना रफी मियां चला गया? तो हाँ, ये बहुत बुरा हुआ। एंड ये एक, अब जैसे कि किराना घराना, वो पटियाला घराना और आगरा घराना, वो अतावली घराना, ये जो म्यूजिक होते हैं ना, ये क्लासिसिज्म होते हैं ना, तो मैं बोलता हूँ कि वो रफी का जो घराना था, जिस ढंग से रफी साहब गाते थे कोई नहीं गाता था, ही एक्चुअली मेड दैट घराना। और रफी साहब चले गए साथ, वो घराना लेके चले गए, सब कोई गाने के लिए कोशिश की, किसने गाया नहीं गा सकता।